हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन की बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। हर साल की तरह इस साल भी मलाड मस्ती ये स्ट्रीट फेस्टिवल मनाया गया, जहां बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद रहे। मलाड मस्ती एक स्ट्रीट फेस्टिवल है, हर साल मुंबई के मलाड वेस्ट में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का इनिशिएटिव मलाड के एमएलए असलम शेख द्वारा किया जाता है। आज इस मलाड मस्ती फेस्टिवल के मौके पर जन्नत जुबेर अपने भाई अयान जुबेर के साथ मस्ती करने पहुंची, और वहीं इस मौके पर इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर, एंकर राघव भी मलाड की मस्ती में मौजूद थे। इनके साथ ही तैनाज ईरानी, बख्तियार ईरानी और रोमित राज भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए जन्नत जुबेर ने बताया कि वो इस मलाड मस्ती में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने अपने कमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शेयर किया। वहीं राघव भी मलाड मस्ती में बहुत मस्ती करते नजर आए। सभी आर्टिस्ट ने स्टेज पर ऑडियंस से इंटरेक्ट किया और सभी ने फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन को सपोर्ट भी किया। तो मुझे हमेशा से पता था कि मलाड मस्ती होता रहा है, लेकिन ये एक सोशल कॉज के लिए हो रहा है ये मुझे कभी पता नहीं चला। इनफैक्ट ये मुझे इसी बार पता लगा एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे लगता था कि यू नो ऐसे ही ये करते हैं साल में एक बार, ताकि यू नो पीपल कम हियर एंड हैव फन। बट जब मुझे पता लगा एक सोशल कॉज जुड़ी हुई है इससे, तो आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज इवन मोर हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि इसके वजह से ये होने के बाद भी इतने लोग यू नो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। बिकॉज ऐसे सोशल इवेंट में कम लोग आते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट कि यू नो इतना अच्छे से वो होगा, और ये कहीं से फील नहीं देता ऐसे सोशल कॉज वाले इवेंट के। एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि ऐसे ही हर साल लोग बढ़ते रहें और ये इवेंट को अटेंड करते रहें। मलाड मस्ती एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, माल न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। मज़ेदार बात यह है, बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है। कहीं पर किक बॉक्सिंग है, कहीं पर स्केटिंग हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो यार ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से असलम भाई ये देखते हैं, ये संभाल के चलते हैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मलाड मस्ती में ऑलवेज मस्ती ही होता है, बिकॉज आई थिंक जो ऑडियंस आती है दे ऑल प्रिपेयर्ड टू हैव फन, दे वांट टू सी व्हाट इज देयर ऑन स्टेज, सो हमारा काम उतना ही ईजी हो जाता है एज अ परफॉर्मर, सो इट वाज गुड। या आई थिंक जहाँ भी क्राउड दिखे, हमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, क्राउड से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, so it's very good, it's thriving, we thrive on all this, हमें मजा आता है, so I just feel it's nice. Glamorous actress Deepika Padukone फिल्म पति पत्नी और वो को प्रमोट करके आई नजर। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल अपने फिल्म कमांडो 3 के रिलीज के बाद अपने फैंस के रिएक्शन देखने बांद्रा के जेआरटी गैलरी से भी पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल की नई फिल्म कमांडो 3 इस फ्राइडे को रिलीज हुई है। फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ओपनिंग भी मिला है। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ अदा शर्मा और गुलशन मुख्य भूमिका में है। आज विद्युत जामवाल गेटी गैलेक्सी बांद्रा में अपने फैंस और ऑडियंस के रिएक्शन देखने पहुंचे। उनके साथ कमांडो 3 के डायरेक्टर आदित्य दत्त भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए विद्युत जामवाल बोले कि जेटी गैलेक्सी आकर बहुत खुशी हुई है, लोगों से काफी प्यार मिल रहा है, सबको मूवी बहुत अच्छी लग रही है। सब मूवी देखते समय सीटियां बजा रहे थे और उन्होंने कहा कि कमांडो 3 लोगों को इतना पसंद आ रही है, तो कमांडो 4 भी ऑडियंस के लिए आएगी। खुश हूँ, इतने तरह के लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए, सब भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है। जिस तरह का रिस्पांस है एज ए टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है। उससे भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है कि मुझे मुसलमान लोग मिल रहे हैं, हिंदू लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपने क्या फिल्म बनाई है। इस तरह की फिल्म देख के जोश आ जाता है, ये काफ़ी है हमारे लिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि हमारी फिल्म में लोग एक्शन के हर सीन में तो ताली मार ही रहे हैं, पर जो मैसेज हम देना चाह रहे थे उस मैसेज रिलेटेड कोई भी मोमेंट आता है और पूरा क्राउड एक साथ चिल्लाने लगता है, अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कल फन रिपब्लिक थिएटर में मैं गया था, वहाँ पे लोग भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं,
तो जो यूनिटी का जो मैसेज दिया है फिल्म में, वो यूनिटी का मैसेज इतना अच्छा लोगों ने रिसीव किया है, आई थिंक दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देख रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, और एक्शन पे जितनी तालियां पड़ती हैं उतनी यूनिटी के मैसेज पे भी पड़ रही हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट जो हमने सोचा था वैसा रिजल्ट आ रहा है। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।